ये तो आप सभी जानते हैं कि Xiaomi ने स्मार्टफोन में मार्केट में अपनी एक अच्छी जगह बना रखी है। ऐसे में बता दें कि भारत में Xiaomi ने कुछ साल के अंदर ही मिड रेंज और बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन बाजार में अच्छी पकड़ बना ली है और Samsung को भी पीछे छोड़ा। लेकिन भारतीय स्मार्टफोन बाजार में Xiaomi के हाई एंड स्मार्टफोन्स ने अब तक कुछ कमाल नहीं दिखाया। कई बार Xiaomi भी यहां अपने फ्लेक्सी स्मार्टफोन्स लॉन्च करने से कतराती आई है, इसलिए मौजूदा दौर में प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में एप्पल, सैमसंग और वन प्लस की ही दबदबा है। अब Xiaomi यहां भी अपनी एंट्री मारने की तैयारी में लग गई है। जी हां, इस सब ब्रांड के लिए कंपनी ने Xiaomi के प्रोडक्ट मैनेजर ने एक लीड प्रोडक्ट मैनेजर बनाया है और आपको बता दें कि एक ट्वीट में कहा है कि मैं इस छोटी टीम के साथ एक नए प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। इसके तहत ऐसे प्रोडक्ट बना सकेंगे जिसका सपना देखा है। हम इस प्रोजेक्ट को पोको कहते हैं। ईटी को दिए गए एक इंटरव्यू में Xiaomi के वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि अब वक्त आ गया है जब हमें 20,000 रुपये से ऊपर के डिवाइस लॉन्च करने चाहिए, क्योंकि लोग अब अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कस्टमर्स को अब इस सेगमेंट में भी चॉइसेस मिलेंगी, क्योंकि अब मार्केट की एवरेज सेलिंग पॉइंट भी ऊपर आ चुकी है, इसलिए उन्हें भी साथ चलना होगा। जानकारी के मुताबिक बता दें कि Xiaomi भारत में पोको ब्रांड के तहत पहला स्मार्टफोन पोको F1 लॉन्च करेगी। XTA डेवलपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सर्टिफिकेशन से ये कंफर्म हुआ है कि स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दिया जाएगा, जिसमें ड्यूअल रियर कैमरा होगा। उम्मीद ये भी की जा रही है कि हाई एंड स्मार्टफोन से Xiaomi भारत बाजार में दूसरी कंपनियों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। नेक्स्ट 9 टेक से हिमांशी की रिपोर्ट।